एवरीवन, इंडियन मॉम अंकिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉनस्टिक कढ़ाई जो कि 4 लीटर की है, बहुत ही थिकनेस की है, फॉर्च्यूला की है और फॉर्च्यूला का ब्रांड तो बहुत ही नंबर वन होता है। तो चलिए उसका रिव्यू देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो कैसा है और उसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एक नॉनस्टिक की बहुत ही अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली कढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो ये है फॉर्च्यूला की कुकवेयर नॉनस्टिक कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पर फॉर्च्यूला की नॉनस्टिक कढ़ाई ली है जो कि 4 लीटर की है, जिसकी थिकनेस और क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर कढ़ाई का पूरा दिया गया है, फॉर्च्यूला नॉनस्टिक कढ़ाई डीप फ्राई पैन है, ये 4 लीटर का है, 2 साल की इसको हमें गारंटी मिल रही है। और इसमें जो लीड आता है वो स्टील का होता है, इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी है, हैंडल लगे हुए होते हैं और नॉनस्टिक कोटिंग जिसके लिए हम ये लेते हैं तो बहुत ही परफेक्ट एंड बेस्ट है। और चारों तरफ डब्बे के कढ़ाई के बारे में ही बताया हुआ है, इसकी थिकनेस, लेंथ और जो भी इसके अंदर है। और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो ये हमको पड़ी है 1895 में, लेकिन ये इतने की हमें नहीं पड़ी है, ये हमें 1700 कुछ की पड़ी हुई है। यदि आप ऑफलाइन ले रहे हैं और अगर आप कोई ऑफ़र में ले रहे हैं तो आपको 1700 की पड़ेगी, वरना आपको ये 1895 की ही पड़ेगी। लेकिन हमने इसे ऑफलाइन ख़रीदा है तो हमें ये 1700 कुछ रुपए की पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर ही सारे डिटेल्स दिए गए हैं और यहाँ पर ये फिर से कुछ इसके डिटेल्स दी गई है, इस तरह से कुकिंग करने की प्रोसेस। इसमें ग्लास का लिड हमें नहीं मिलता है, हमें स्टील का लिड मिलता है और एक स्पैचुला जो कि इसके अंदर होगा। तो चलिए खोल लेते हैं बॉक्स को। ये बहुत ही बेस्ट एक नॉनस्टिक कढ़ाई है। यदि आप एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेना चाहते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, परफेक्ट हो, बेस्ट हो, तो ये आप उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से बॉक्स के ऊपर जो भी कार्टून वगैरह है वो उसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये एक ढक्कन मिला हुआ है जो कि स्टील का है और ये सब कुछ सेट है, पहले से हमने इसमें कुछ भी सेट नहीं किया है। तो ग्लास लिड नहीं है, बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि ग्लास का लिड होता है तो देखने में और जो भी कुकिंग प्रोसेस हो रही है वो हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके हैंडल में ये इस तरह से कवर लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। और हमें एक कढ़ाई मिली हुई है तो कढ़ाई को निकाल लेते हैं। कढ़ाई के साथ हमें क्या क्या मिला हुआ है, तो कढ़ाई के साथ हमें मिला है कि वुडन का स्पैचुला। तो हमें नॉनस्टिक कुकवेयर में हमेशा ही वुडन का स्पैचुला ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ हमें एक बुकलेट मिली है जिसमें कुछ रेसिपीज़ बर्तन के बारे में, बर्तन की डिटेल्स, उसे कैसे क्लीन करना चाहिए, उसको कैसा रखना चाहिए, ये सब दिया गया है। और इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इसी तरह ये बुकलेट है। तो नॉनस्टिक कुकवेयर जो कि हॉकिंस के मिलते हैं उसमें आपको एक इस तरह की एक रेसिपी बुक ज़रूर मिलती है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से इसमें मिला हुआ एक वुडन का स्पैचुला और इसमें कुछ भी जो वारंटी कार्ड गारंटी कार्ड होता है वो मिला हुआ है। तो हमें इस कढ़ाई में 2 साल की गारंटी मिल रही है। और एक यहाँ पर ये साफ़ करने के लिए हमें मिला हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये कढ़ाई है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग क्वालिटी। तो हॉकिंस नॉनस्टिक कुकवेयर तो हमेशा परफेक्ट ही होता है, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे लेकर आऊं और आपके साथ मैं भी इसे शेयर करूं। तो मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक की कढ़ाई ही मंगाई है। पहले मैंने इसका एक कुकर भी मंगाया था जो कि बहुत ही बेस्ट था। बहुत सारे मैंने नॉनस्टिक के बर्तन मंगाए हैं जो कि 2 से 3 महीने के बाद या तो उसकी कोटिंग निकल जाती है या फिर उसकी नॉनस्टिक प्रोसेस जो होती है वो कम हो जाती है, स्टिकी होना लगता है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इस पर अपना जो है देखती हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, तो आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये है हमारी बहुत ही परफेक्ट नॉनस्टिक की हॉकिंस की बेस्ट कढ़ाई, जिससे मैंने जो भी रिव्यू देखा है और मुझे भी ये बहुत ही अच्छी लगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी और इसकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे आगे की वीडियो में सब कुछ देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा ये बेसिकली ब्लॉग चैनल है जिसमें आपको मेरे बर्तन के बारे में, कढ़ाई के बारे में, कुकिंग प्रोसेस के बारे में देखने को मिलते ही रहेगा। तो ये देखिए फॉर्च्यूला की नॉनस्टिक कुकवेयर कढ़ाई जो कि 4 लीटर की है और इसकी जो नॉनस्टिक की लेयर है वो भी बहुत ही थिक है,
हैंडल्स भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस कढ़ाई को ले सकते हैं, और बहुत ही बड़ी कढ़ाई है, 4 लीटर की कढ़ाई है, तो काफ़ी बिग साइज़ की है ये, तो आप इसे ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।